प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा कुरुक्षेत्र में 29 मई को की जाने वाली रैली की पूरी जिम्मेदारी ली है। आपने राव के द्वारा रैली में रोड़े अटकाने के बयान पर अनिल विज ने जवाब दिया कि सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अनिल विज ने कहा कि वे यहां आए, अपनी बात को रखें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार केजरीवाल से डर गई है और रैली कामयाब हो इसके लिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मंत्री अनिल विज ने आप नेताओं के इन आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अनिल विज ने कहा कि वे यहां आए, अपनी बात रखें, उन्हें कोई रोकेगा नहीं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। बिल्कुल नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है और किसी भी हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों ने इसे लेकर कमर कस ली है। एक रोज पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने 8 पूर्व विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और दावा किया कि भाजपा के कई पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक उनके संपर्क में है। हुड्डा के इस दावे पर विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि जो डूब रहा होता है वो अपने साथियों को दिलासा देने के लिए कई बातें करता है और कांग्रेस का जहाज आधा डूब चुका है और आधा पानी में जाने वाला है। देखिए, जो डूब रहा होता है वो अपने साथियों को दिलासा देने के लिए कई प्रकार की बातें करता है। कांग्रेस का जहाज तो डूबा हुआ है, आधा तो पानी में जा चुका है और आधा शीघ्र ही जाने वाला है, इसलिए वो इस तरह की लोरियां दे देकर अपने जो साथी हैं उनको सुनाते रहते हैं। मंत्री अनिल विज ने निकाय चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 28 मई को हिसार में पूरे प्रदेश की बैठक होगी जिसमें कि चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, हर जगह पर जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ कमेटियाँ बना दी गई हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं और 28 तारीख को हिसार में सारे प्रदेश की मीटिंग रखी गई है जिसमें सारी विस्तृत योजना बनाई जाएगी। प्रदेश की राजनीति में आजकल भाजपा सांसद अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सार्वजनिक खींचतान काफी चर्चाओं में है। विज ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामला हाईकमान के जीरो गौर है जिसे सुलझा लिया जाएगा। हाईकमान के जीरो गौर है और शीघ्र ही ये निपटा लिया जाएगा। बीते रोज प्रदेश भर में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने टूल डाउन व पैन डाउन की हड़ताल की। कर्मचारी सरकार के द्वारा लागू किया गया हरियाणा रोजगार कौशल भंग करवाना चाहते हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने बयान दिया था कि हरियाणा सरकार रोजगार कौशल कर्मचारियों के शोषण की दुकान है। विज ने सुरजेवाला के बयान पर तंज कसा और कहा कि सुरजेवाला उल्टा सोचना आखिरकार कब बंद करेंगे। अब सुरजेवाला जी उल्टा सोचना कब बंद करेंगे? शोषण को बंद करने के लिए ही ये विकास निगम बनाया गया है ताकि ठेकेदार इनका शोषण ना करें और उनको इसमें भी शोषण नज़र आ रहा है। अब क्या नज़र आ रहा है इनको, क्या इनकी सोच है, क्यों इनको नज़र आ रहा है, ये तो यही बता सकते हैं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।